कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान रोजी रोटी से मोहताज 5000 लोगों को मानव जन कल्याण सेवा समिति गुरुग्राम में रोजाना खाना खिला रही है। यह जानकारी देते हुए इस गैर सरकारी संगठन मानव जन कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय चेयरमैन प्रदीप दहिया ने बताया कि राजेंद्र पार्क गुरुग्राम से संचालित उनकी संस्था रोजाना यहाँ आने वाले जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने के साथ साथ झुग्गियों में रहने वाले लोगों को भोजन के साथ साथ राहत सामग्री मुहैया करवाने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि NCR प्रचारक भाई सोनू सुमित गोकाल गाड़िया भी इस संस्था में दिन रात निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। वे पूरे गुरुग्राम में संस्था के सेवा कार्यों को देख रहे हैं और उनकी देखरेख में सभी युवा मिलकर जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संकट के जारी रहने तक उनकी संस्था की ओर से भोजन की सेवा निबाध रूप से जारी रहेगी। गुरुग्राम से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। ये मानव जन कल्याण सेवा की तरफ से आज 35वां दिन आप लोगों की सेवा में, और ये जब तक लॉकडाउन रहेगा जब तक यूं ही चलता रहेगा। बाबा शनि महाराज, परशुराम जी, भोले बाबा की सभी की महिमा और इनकी कृपा से आज हम ये भंडारा 35वां दिन है आज हमें, और ये जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा, जब तक कोरोना को जड़ से खत्म नहीं करते, जब तक हम ये भंडारा ऐसे ही चालू रखेंगे। बाबा का आशीर्वाद है और इसी के सारे जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओम जय शनिदेव, जय शंकर की।